कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है किसी भी बॉडी पे चार्ज ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है इन आइसोलेशन। ये वर्ड जरूरी है क्योंकि कैसे पैदा करना है वो तो मैंने तीन तरीके बता ही दिए, लेकिन आइसोलेशन मतलब आप एक स्फीयर लेके आओ, आपने कहा जी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कहा ठीक है, किसने कहा सर इसको ना खत्म कर दो, भाई खत्म करने के लिए मुझे क्या देने पड़ेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कहाँ से पैदा करूंगा मैं, दूसरी बॉडी से लेके आऊंगा, हवा में कैसे पैदा करूंगा, नहीं कर सकता, तो दूसरी बॉडी चाहिए जिसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फर्स्ट बॉडी में जाएंगे, अकेला चार्ज खत्म नहीं कर सकता मैं, ऐसे अगर नेगेटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रॉन मैं निकाल तो दूंगा फेंकूं कहाँ, तो मुझे दूसरी बॉडी चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा। आइसोलेशन में अकेले में चार्ज ना तो पैदा होगा ना खत्म होगा, क्लियर है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज में हो सकता है। ओनली रिपल्शन कैन कंफर्म दैट एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। अब ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ जो है चार्ज, कि बॉडी चेक करना है चार्ज है कि नहीं, उसका असली टेस्ट क्या है, अट्रैक्शन की रिपल्शन, आप रिपल्शन मार्क करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो मैंने कहा किसी स्टूडेंट को तो चेक करके बता कि ये दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज ना आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, तो बता क्या ये बॉडी चार्ज्ड है, हाँ कि ना, क्या ये बॉडीज चार्ज्ड है, दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं तो क्या दोनों चार्ज्ड हैं, आपने कहा हाँ ये तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, एक चार्ज्ड और दूसरी न्यूट्रल भी हो सकती है। अब ऐसा कैसे हुआ, देखो इमेजिन करो आपने कंडक्टर लिया, जो भी एग्जांपल लिया इंडक्शन का मैंने, कंडक्टर लिया, आपने एक रॉड ली, जब आप रॉड जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास लेके आए, इसने सारे इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, यहाँ डेफिशिएंसी हो गई। अब ओवरऑल ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल, ओवरऑल तो न्यूट्रल है, और ये बॉडी क्या है, नेगेटिव, पर क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्लोज है तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट, ओवरऑल अट्रैक्ट हो गया। आप कहोगे सर ये भी तो रिपेल करेगा, ये दूर है थोड़ा, अट्रैक्शन का अफेक्ट ज़्यादा है, रिपल्शन का कम है, ओवरऑल अट्रैक्शन होगा। तो देखो ये बॉडी न्यूट्रल है और फिर भी अट्रैक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ इंडक्शन, तो यानी कि एक बॉडी चार्ज्ड है और दूसरी न्यूट्रल है फिर भी अट्रैक्शन हो रही है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन ये नहीं कह सकती कि दोनों बॉडीज पे सेम चार्ज है या ऑपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन का मतलब ये भी हो सकता है एक बॉडी पे चार्ज है और दूसरी इनिशियली क्या थी, न्यूट्रल थी, पर अगर मैं बोलता हूँ कि दो बॉडी रिपेल कर रही हैं, भाई रिपल्शन तो गारंटी है कि दोनों चार्जेस पे सेम चार्ज होगा ही होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, जो कि इंडक्शन में तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंडक्शन में तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज पैदा होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, रिपल्शन ट्रू टेस्ट है चेक करने के लिए कि बॉडीज के चार्ज है कि नहीं, अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडी में भी रहती है, रिपल्शन चार्ज बॉडी में ही रहती है, तो ये इसका मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आएगा, कोई टेंशन ना लें कि मैंने कॉपी में लिखवाया नहीं कि राइट लिखो अट्रैक्शन रिपल्शन ट्रू टेस्ट बिकॉज दिस इज दिस, कुछ ना आएगा आपको, तो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि कौन सा सही टेस्ट है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, आपने इसमें रिपल्शन लिखने बात खत्म है, क्लियर है यहाँ तक। मैं ये नोट बुकलेट की फॉर्म में दूंगा, आज तक ये शीट्स हैं ये बुकलेट की फॉर्म में चलेगा। नेक्स्ट है कूलम लॉ।